नैनीताल हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, नहीं सॉरी भीमताल हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कभी भी घूम सकते हैं। लेकिन अब टाइम ही टाइम है, टाइम टू टाइम ही टाइम है, तो सोच रहे हैं आज देख लें, कम से कम कुछ तो देख लें। अभी हम लोग डिसाइड करें कौन सी बोट लें, पेडल बोट लें कि नॉर्मल बोट लें, जिसमें चप्पू वाली बोट लें। पेडल बोट वाली में चलते हैं ना फिर। वो भी प्लान है हमारा बोटिंग का, दो बोट लेने वाले, वो भी पेडल बोट लेने वाले, क्योंकि मुझे लगता है ये वाली जो बोट है वो थोड़ी रिस्की होती है, मतलब मम्मी पापा के हिसाब से थोड़ी रिस्की हो जाती है, इसलिए हम पेडल एंजॉय करेंगे पूरा पेडल बोट। लास्ट टाइम मैंने पेडल बोट नहीं ली थी, चप्पू वाली ली थी, तो इस बार मैंने सोचा कि पेडल बोट का एक्सपीरियंस ले लेती हूँ मैं। ये सारी पेडल बोट यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ पर ना पेडल बोट का अलग है पॉइंट और चप्पू वाली बोट का अलग पॉइंट है। अभी थोड़ा रिस्की है, यहाँ पर उतार ले पहले, जाओ मम्मी पापा को उतार ले पहले। हाँ। सभी उधर आ गए। अरे वेट ज़्यादा हो गया इस साइड, इसलिए इधर झुक गए। रुक जा हनी, आगे ले जाना मना है, रुक जा। कहाँ हमारी वाली किधर? बैठाएगा वो एक एक करके। कहाँ गया भैया? कितना लापरवाह फकिंग भैया। तो आप बताओगी तभी तो पहनेंगे ना, आप सीधे सीधे चले जा रहे हो, ये कोई बात थोड़ी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है भैया। हम ही खुद बैठेंगे, हम सब करेंगे तो फिर क्या है भैया? यार पैसे लिए तो काम निकल रहा है, खाने पीने में लगे यार, या फिर उससे मिले जो लाया है। ठीक है हो रहा है। अभी सब लोग लाइफ जैकेट पहन रहे हैं यहाँ पर। अरे मोंटवानी इधर कर, इसीलिए मैं इस पॉइंट से कभी बोटिंग नहीं करती हूँ। हाँ तो सही करिए, ऐसा पता होता तो आते नहीं हैं। मम्मी फैमिली ये मोंडू का नाम लाना है, गंदी गंदी यही होती है। पहले इस वाले में बैठते हैं, हट जा मम्मी, मम्मी को बैठाना पहले। चल 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 चल, मैं तो बैठ जाऊंगी, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जाना इधर नहीं, आपको उसमें जाना है, आप उसमें क्यों जाओगे? फिर पेडल कौन मारेगा? मैं मारूंगी पेडल। अभी हम ओए गलत मोड़ रहे हैं, हम पीछे ले। अभी हमको थोड़ा आइडिया ही नहीं हो रहा बोट का कैसे चलानी, क्या हो गया, व्हाट हैपनिंग, खराब तो नहीं है? टाइम है ना, आराम से घूमते रहेंगे, क्या है? अभी हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा है कि इसको कैसे चलानी, कैसे काटना है, क्योंकि पेडल बोट है ना। आगे चलो, अब आगे आगे चल। हाँ आगे ही चलाएंगे, हम इतना कंफ्यूज हो गए, और उसने बताया भी नहीं, पता है इतना इररेस्पॉन्सिबल बंदा है ना, कभी भी आप ये वाला करो ना पेडल बोट, बहुत इररेस्पॉन्सिबल बंदा है, पैसे लेने के बाद ना कुछ नहीं बता रहा, कोई मतलब नहीं अपने आप जैकेट पहनो। मैंने बोला भैया आपने पैसे किस चीज के लिए? अभी पता चला कि ये जो चीज होती है लीवर जैसी, ये इसको ना आप जिस साइड आपको मुड़ना है ना उस साइड आपको टर्न करना है। अभी चल, मम्मी कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मैंने पानी नहीं देखा, मम्मी को एक्चुअली पानी से डर लगता है, अभी मम्मी नीचे भी नहीं देख रही इस वजह से। इंजॉय करोगे तो डर नहीं लगेगा। ये रहा एक्वेरियम कैफे, जो मैंने लास्ट में विजिट किया था। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये देख के कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, ये आदमी हमारे पीछे पीछे ला रहा है, पागल आदमी। वो बोट तो चलाने वाला है, हम ही नहीं सीखे हैं। जाने दस मुझे, ये ट्रेन में लेके क्यों आ रहा है उधर से? चल फास्ट चला, ताकि हम इससे पहले जा सके। बहुत फिजिकल वर्क है इसमें, अगर आप ने एक्सरसाइज नहीं किया ना तो मत करना बोटिंग करने से पहले, ये बेस्ट वर्कआउट है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जा बाबू। ये लोग रेस कर रहे हैं क्योंकि हमारी आधी फैमिली सामने वाली दूसरी पैडल बोट पे है। पापा हाथ लाओ, हाथ लाओ। दो बोट कर रखी है। हाँ दो बोट करी हुई है, क्योंकि एक बोट में पॉसिबल नहीं है। अरे
मम्मी टकरा जाएंगे, ऐसा वीडियो बनाओ, मेरी तरफ में बनाओ मम्मी, मेरी तरफ टकरा जाएंगे भाई, टकराएंगे टकराएंगे। यहाँ पानी का खेल चल रहा है, हम पास भागने की कोशिश कर रहे हैं। ए बाबा इधर चल, इधर चल, इधर चल। वाओ बादल देख रहे हो कितना हो रहा है, और सामने वाला पहाड़, लगता है आज बारिश होगी, बारिश होगी आज, बारिश होगी। हाँ ऐसा ही लग रहा है मेरे को, बारिश होती रहती है, मौसम चेंज होता रहता है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। ये रहे हमारे आधे लोग फैमिली के, तीन उधर तीन उधर। नहीं डूबेगी, क्यों डूबेगी, नहीं सिर्फ आगे बढ़ने के लिए है। सोच रहे उस कॉर्नर तक चले जाए, और बादल इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है रुई है ऊपर, रुई की परतें, और ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, और ग्रीनरी, और इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा लैंडस्केप यहाँ से नजर आ रहा है मौसम की वजह से। मैं भी मम्मी भी वीडियो और फोटो बनाने में लगी हुई है। देखो ये रहा पेडल सिस्टम, इधर से ये मार रही है, इधर से मैं मार रही हूँ, हालत पतली हो गया ना। अरे फिर खुजली चलेगी अभी थोड़ी देर में। एक्वेरियम कैफे, यहाँ पर अलग अलग तरह की फिशेज रखी हुई है, प्लस खाने पीने का भी यहाँ पर, हालांकि कॉस्टली है लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ का अलग से एंट्री टिकट है 100 रुपये, अदरवाइज आपको जो बोट वाले बोटिंग वाले होते हैं वो आपको 300 रुपये में यहाँ छोड़ के जाएंगे, और बाद में हमको लेने भी आएंगे। अब हमारा बोटिंग टाइम खत्म हो गया, अब हम उतर रहे हैं, और मेरा अच्छा खासा वर्कआउट भी हो गया। सर मेरा बैग भी नहीं लिया इसने, इतनी खराब बंदी है। मेरे शूज भी, काउंट कर रहा है ये, वैसे भी हम वहाँ को वहाँ भी पसंद नहीं आ रहा था आपको। चलो अरे सब सामान ले लिया ना, कुछ ले लिया मम्मी, सब ले लिया, ले लिया लाओ। चलो ये कौन है खाली, थोड़ी देर रुक जाओ, और क्या ये लीजिए मैम, कुछ खट्टा मीठा कम लगे, ले लीजिए। थैंक यू, थैंक यू भैया। अभी पता नहीं चल रहा है, कल पता चलेगा। तूने बोल दिया, थोड़ा जोर से बोल, एयर वाइब्रेट कर रहे हैं, तेल मालिश करनी पड़ेगी, बहुत दुख रहे हैं पैर, दुख रहे हैं। तू यहां आ ना, यहां से पूरी लाइन में बैठ के चाय पी रहे हैं, गर्मा गर्म चाय, ये अकेला बंदा जो गोला खा रहा है, एंजॉयिंग चाय। कितना टाइम है, मैंने इस मोटी को बोला था चीनी कम डालना, आ गए मोमोस। कैसे लगे मोमोस कॉफी? बहुत मिर्ची है लेकिन लेकिन टेस्टी है, मतलब वेज वाले मैं कभी खाता नहीं लेकिन अच्छे लगे ये वाले वेज। मैं तो बोल रही हूं मोमोस, अभी यहां पर डिस्कशन चल रहा है कि एक प्लेट और ले लेते हैं। इतने अच्छे लगे कि हमने सोचा एक प्लेट और पैक करवा लें, मिर्ची है लेकिन यार मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ टेस्टी तो है बहुत। ये रहा मंदिर, आ गए हम भीमेश्वर टेंपल, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है।
सॉक्स गीले हो जाएंगे जिन्होंने सॉक्स नहीं पहना है। दिया ना, दिया ना, दिया ना। इस वाले होटल में हमको किचन भी मिला है, तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। मतलब खाना वाना आप गर्म करके यहाँ पर खा सकते हो, चाय बना सकते हो, क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पर है तो बार बार नीचे नहीं जाना पड़ेगा। ये अच्छी बात है यहाँ पर। अभी टाइम हो रहा है 8:45 और अभी मैं निकल रही हूँ डिनर पैक कराने के लिए। डिनर पैक करा लेते क्योंकि कल सुबह हम लोगों को बहुत जल्दी निकलना है 7 बजे, तो आज जल्दी सो जाएंगे खा पी के, ताकि कल, यार आज का दिन तो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा नहीं, मतलब रहा, ट्रैवल भी किया और भीमताल भी घुमा। यहाँ खाना पैक करवाने आए थे लेकिन यहाँ पर खाने के लिए इतनी लंबी लाइन है, और पूरे एरिया में भीमताल में ना एक्चुअली एक ही दुकान है, एक दुकान और एक रेस्टोरेंट और है, लेकिन वहाँ पर ना पैकिंग नहीं होती खाने की, और हमें पैक करके ऊपर लेके जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी पापा यहाँ नहीं आ सकते, तो हम घर पे ही होटल में ही लेके जाएंगे खाना गर्म करने के लिए। लेकिन अभी मैंने उससे पूछा, वो बोल रहा है टाइम लग रहा है, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमको यहाँ पर वेट करना ही पड़ेगा। ये बड़ा बुरा है यार, यहाँ पर पूरे भीमताल में ना सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है, और हो तो दूर दूर हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बस एक ही रेस्टोरेंट है। यहाँ जोमेटो स्विगी होना चाहिए, जोमेटो स्विगी होता तो फिर क्या होता। बहुत सारे लोग लाइन लगा रहे हैं यहाँ पर गाना गाने के लिए, लेकिन अब सबका धीरे धीरे नंबर आ रहा है, और ये भी सोच रहा है कि मैं भी गाऊँ, है ना। लेकिन यहाँ काफी लंबी लाइन खड़ी हुई है। सी एवरीवन इज हियर, सब यहाँ पर गाने के लिए खड़े लाइन से एकदम। कोई परदेसिया परदेस में Are you happy with this modern world? Or do you need more? नजरिया बरसे भी कब मेरे आंगन बदरिया। ये डेली होता है यहाँ पर ये इवेंट? हाँ, मैं वैसे तो टैक्सी चलाता हूँ, मेरा टैक्सी का काम है, ये मेरा शौक है। अच्छा। मैं मुझे मज़ा आता है गाना गाने में, जो लोग यहाँ पे आते हैं वो एंजॉय करते हैं। मेरी कोशिश ये है कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो शाम को बैठ के एक खूबसूरत झील के किनारे अपनी शाम को सुहाना बना सकें, हम लोगों के साथ खुशियाँ बांट सकें। आते हैं लोग, बोर हो जाते थे, मैंने शुरुआत की कि कुछ लोग यहाँ पे आएँ, गाएँ, मस्ती करें, इन्जॉय करें, और अपने मतलब बस ज़िंदगी को जिए। एंड ये सब आप अपने से सब कुछ, सारी चीज़ें सब डेली होता है ये सब? मैं कोशिश मेरी रहती है 7 से 10 रोज़ मैं यहाँ पे आता हूँ। एक्चुअली वी रियली लाइक योर वॉइस बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसा लगता है अंदर से एकदम, ऐसा लगता है मुझे तो लग रहा था मैं डांस करूँ आके आपके साथ। आपका डांसिंग सॉन्ग अगर आपको डांस करने है, डांस कर सकते हैं। मैंने रखा म्यूजिकल पॉइंट। हाँ, हमको पता नहीं था एक्चुअली, जस्ट ऐसे ही काम से आया, देखा मुझे अच्छा लगा। तो ये टाइमिंग है कुछ कितने से? 7 से 10 का। 7 बजे से लेके शाम के 9:30-10:30। ये 10 बजे के बाद हमें परमिशन नहीं रहती है। अच्छा। 10 बजे तक की परमिशन है, तो उसी बीच में यहाँ पे मैं करता हूँ। मजा। थैंक यू। तो खाने में दम आलू, दाल मखानी और बटर तवा रोटी। ठीक ठाक खाना है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, एक ही रेस्टोरेंट है वहाँ पर।